डियर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स की क्लास में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूँ। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। ये वीडियो पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का नहीं होगा, चैप्टर के पार्ट्स डिवाइड करके अलग अलग एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं, जो स्टूडेंट क्लास 10th में अभी अभी आए हैं उनके लिए ये चैप्टर नया है। चैप्टर नंबर है 8, एनसीईआरटी बुक का मैं कह रहा हूँ, चैप्टर नंबर 8 है। बात करेंगे, चैप्टर नंबर 8 का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब हम क्या कर रहे हैं, वैसे तो मैं पूरा नाम इसे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री कहूंगा, ट्रिग्नोमेट्री नया चैप्टर है, पढ़ेंगे समझ में आएगा। ओके, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ। दरअसल इस पूरे चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्या होता है, आपको इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ओके, तो आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज कब होता है। जब एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जिसमें क्या है, एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक फॉर्मूले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना समझेंगे। ओके, हम मानते हैं पहले तो एक ट्राइंगल जरूरी है, याद रहे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते समय सिर्फ हम राइट एंगल ट्राइंगल का यूज कर सकते हैं। यदि एंगल 90 डिग्री का बन रहा है तब आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं, यदि एंगल 90 डिग्री का नहीं बन रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना संभव नहीं है। एंगल का नाम देखो, ट्रायंगल ए बी एंड सी, ट्रायंगल ए बी सी है। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। दरअसल हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में क्या करते हैं, जो एंगल दिए हुए हैं एंगल का साइड के साथ रिलेशन क्या होता है। जैसे ये एंगल ए लिखते हैं और साइड है बी सी, ए सी और ए सी, एंगल है सॉरी साइड बी सी है, ए बी है और ए सी है। इस प्रकार से हम क्या है, एंगल और साइड के बीच में रिलेशन जानते हैं। उन्हीं रिलेशन के लिए छह प्रकार से रिलेट कर सकते हैं और इन्हें कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। शुरू करते हैं, टोटल छह हैं, पहले से चालू करता हूं मैं। साइन ए, यदि आपसे पूछा जाए साइन ए कैसे निकालेंगे तो बहुत ही सिंपल है, साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अपोजिट में क्या लिखे, एंगल ए इसको लिखते हैं, तो इसके अपोजिट में एंगल साइड कौन सी है, इसके सामने लेंगे ये वाली साइड, इसके अपोजिट में तो हम इसे लिख ही लेते हैं, ये वाली क्या लाइक साइड अपोजिट टू एंगल ए। इसी प्रकार से यदि मैं इसे पकड़ता तो ये वाली कौन सी कहला जाएगी, सबसे पहले इसकी बात करें तो ये वाला कहलाता है हाइपोटेन्यूस। अब इसकी बात करते तो ये कहलाई साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, एंगल ए से लगी हुई साइड ये, एंगल ए के अपोजिट में साइड ये है, और हाइपोटेन्यूस सभी जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस ये कहलाता है। तो निकालते हैं साइन ए की वैल्यू साइड अपोजिट टू एंगल ए, एंगल ए के सामने साइड कौन सी है, बी से सी तक बी सी, तो हम यहां पर लिख सकते हैं बी सी अपॉन में हाइपोटेन्यूस, सभी जान रहे हैं ये वाला होगा, तो हाइपोटेन्यूस के लिख देंगे ए सी, तो बी सी अपॉन में ए सी साइन ए की वैल्यू है। इसी प्रकार से आती है साइन, सॉरी साइन के बाद आता है हमारे पास कॉस, तो कॉस ए की वैल्यू निकाल रहे हैं, जैसे यहां पर आता है साइड अपोजिट टू एंगल ए, यहां पर आएगा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस है, फिर से कॉस है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए हमने लिख लिया, ये वाली साइड एडजेसेंट है, नाम है इसका ए बी, तो लिखेंगे हम ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूस क्या है ए टू सी, तो लिख देंगे ए सी। इसी प्रकार से और एंगल्स की बात कर रहे हैं। अब आता है हमारे पास टेन ए, टेन ए को समझेंगे, टेन ए का फॉर्मूला है हमारे पास साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। साइड अपोजिट टू एंगल ए सभी जान चुके होंगे अभी तक, ट्रायंगल में देख रही है बी सी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बिना कुछ बोले आगे BC। इसी प्रकार से साइड एडजेसेंट टू एंगल A से लगी हुई साइड दिख रही है हमें AB, तो ये हो गया AB। अभी तक हमने कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं, अभी तक तीन पढ़े हैं, और तीन पढ़ने वाले हैं,
ओके, साइन ए हो गया, कॉस ए हो गया, टेन ए हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे कोसेक ए। कोसेक ए का फॉर्मूला है जस्ट साइन ए का अपोजिट होता है, तो अपोजिट मतलब हाइपोटेनस नीचे वाला आइटम, जो नीचे लिखा हुआ है उसको ऊपर कर देंगे, ऊपर जो लिखा हुआ उसे नीचे कर देंगे, साइन ए का अपोजिट। तो देखते हैं हाइपोटेनस ऊपर गया, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय साइन अपोजिट टू एंगल ए। यदि मैं कहता हूं कौन से के है हाइपोटेनियस साइड अपोजिट टू एंगल ए, डिवाइड में रखते हैं, तो इस प्रकार से हम जमा सकते हैं कोसेक ए क्या हो जाता है, क्योंकि आपकी जगह नहीं तो मैं इसके सामने लिख रहा हूं दोबारा कोसेक ए के लिए। तो कोसेक ए क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमारे पास ए सी, तो हम लिखेंगे ए सी। इसी प्रकार से साइड अपोजिट टू एंगल ए, अपोजिट कौन सी है बीसी, तो एसी के अपॉन में बीसी। तो यदि हम ध्यान से देखें तो हमने इसको पलट दिया है, ओके, बीसी ऊपर था एसी नीचे था, यहाँ पर एसी ऊपर जा चुका है और बीसी नीचे हो गया है। इस प्रकार से हमने साइन ए पकड़ा, कॉस ए पकड़ा, टेन ए में कॉस ए आ गया। इसी प्रकार से हम नाम दे देते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ वन। अब आते हैं हम फिफ्थ नंबर पर, फिफ्थ नंबर पर कैसे होगा, जैसे कि कॉस ए हो गया, अब आता है हमारे पास sec a। sec a किसका अपोजिट होना चाहिए, अभी तक किसी किसी के दिमाग में आ रहा होगा sec a किसका अपोजिट होना चाहिए, cos a का। तो वापस हाइपोटेनियस ऊपर, साइड इज इनटू एंगल ए नीचे, लिखते हैं हम हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं सेके क्या हो जाएगा, सभी को मालूम चल चुका है यदि सेके कौसे का अपोजिट है तो एसी ऊपर चला जाएगा और एबी नीचे, तो ये हो जाएगा एसी अपॉन में एबी। इसी प्रकार से द लास्ट वन, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, और ये आ जाएगा सिक्स्थ नंबर पर। अब किसका अपोजिट आने वाला है, समझ में आता है साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, तो टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कभी किताबें निकाली हो तो ध्यान दें cot a, cot a अपोजिट है तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए ऊपर होगा, डिवाइड बाय साइड अपोजिट टू एंगल ए नीचे होगा। लिखते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल ए ऊपर हो गया, साइड अपोजिट टू एंगल ए नीचे आ गया, तो cot a क्या आ जाएगा, अभी सबके दिमाग में आ गया है कि कॉट ए क्या हो जाएगा, ए बी ऊपर और बी सी नीचे, तो ए बी डिवाइडेड बाय बी सी, इसे ही कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये सारे छह के छह हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं, अभी और पढ़ते हैं। एक काम कीजिए, आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट डाउन कर लीजिए, ओके। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक मुझे आई होप कि आपने सारी चीजें नोट डाउन कर ली है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते समय कुछ बात का ध्यान रखते हैं कि चलिए ये जो हम फॉर्मूले देख रहे थे, साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, फिर हाइपोटेनियस, ये तो लिखने में बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो इसका एक सरल तरीका भी है जो मैं आपको बताने वाला हूं, ओके। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, हम पहले एक तो एक ट्राइंगल बना लिया जाए, बहुत ही बढ़िया सा ट्राइंगल होना चाहिए, बड़ा सा ट्राइंगल। इसमें जरूरी बात क्या है, आप लोगों को याद हो गई होनी चाहिए अभी तक, जरूरी बात है कि ये एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, कोई सा भी एंगल 90 डिग्री हो, पर एक एंगल 90 डिग्री होनी चाहिए, मतलब ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। नाम देते हैं ए बी सी, ओके। साइन ए की बात कर रहा हूं, सारे एंगल निकालने वाला हूं, थोड़ा सा बड़ा लिखूं ताकि दिखाई दे, साइन ए की बात कर रहा हूं। दरअसल यदि आप इसमें देखते हैं, हमने अभी पढ़ा साइड अपोजिट टू एंगल ए, यदि अपोजिट की बात करता हूं तो आपने राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा, राइट एंगल ट्राइंगल में यह कहलाता है हाइपोटेनियस, ओके, ये नीचे वाली लाइन कहलाती है बेस और ये कहलाता है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो आपको साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए की वैल्यू है बीसी अपॉन में क्या होता था हाइपोटेनियस, सामने वाली साइड, अपोजिट साइड मतलब जो सामने है एंगल ए के, और अपॉन में होता था हाइपोटेनियस। अब मैं बात करता हूं, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, तो मैं लिख दूंगा परपेंडिकुलर के लिए, परपेंडिकुलर
अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हो गया बीसी अपॉन क्या हो सकता है एसी, हाइपोटेनियस क्या है एसी। इसी प्रकार से कॉस ए की वैल्यू लाते हैं, कॉस ए की वैल्यू निकालिए, हम जानते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल ए आता था, एडजेसेंट साइड क्या है ए से बी तक है, और इसे हम क्या कह सकते हैं एडजेसेंट कह सकते हैं, और ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रायंगल में क्या कह सकते हैं इसे कह सकते हैं बेस। तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या हो गया ए से बी तक ए बी, और हाइपोटेनियस कितना हो जाना चाहिए भाई, ये वाला हाइपोटेनियस कहलाता है बोलेंगे एसी, और साइन हो गया कॉस हो गया आप क्या आना चाहिए थर्ड रेशियो, अभी तक याद हो जाना चाहिए। तो बोलेंगे थर्ड रेशियो क्या होता है टेन ए, टेन ए क्या होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए, ये वाला परपेंडिकुलर कहलाता है ना, ये तो परपेंडिकुलर है, तो बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन डिवाइड में आता था टेन ए के टाइम पे, डिवाइड में क्या आता था याद करें या कॉपी पलटा कर देखें तो ध्यान देंगे आप, टेन ए के टाइम पर आता था डिवाइड में साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, मतलब ये वाली, ये क्या कहलाएगी लेकिन यहाँ पर बोलेंगे बेस, तो ये आ गया बेस, टेन ए हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब कि बीसी, तो बीसी अपॉन में बेस, बेस क्या है ए बी, तो लिख देंगे ए बी। साइन ए हो गया पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कॉस ए हो गया दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टेन ए की बात करें थर्ड नंबर पे, और चौथे से हम जानते हैं कॉसेक आएगा लेकिन रिपीट होने वाला है, कॉसेक ए की बात करता हूं, जब कॉसेक ए है तो जैसे हमने पढ़ा था साइन ए का अपोजिट होता है, तो हाँ भाई अपोजिट होता है हाइपोटेनियस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, मतलब ये भी पलट जाने वाले हैं, एसी ऊपर चला जाएगा बीसी नीचे, तो एसी डिवाइड बाय बीसी, एसी डिवाइडेड बाय आ जाएगा बीसी। कॉस ए क्या हो गया इसी प्रकार का, पांचवें नंबर पर आता है, पांचवें नंबर पर जो आएगा कॉस का उल्टा होगा तो हट जाता है, सिर्फ सेक बचता है बोलेंगे सेक ए, सेक ए क्या होगा किसका अपोजिट होना चाहिए, याद हो जाता है कॉस ए का हाइपोटेनियस ऊपर बेस नीचे, मतलब हाइपोटेनियस ऊपर बेस नीचे, पलटाने की कोशिश करते हैं पलटाते हैं तो क्या होता है हमारे पास दिखाई देता है एसी ऊपर ए बी नीचे, मतलब एसी एसी डिवाइडेड बाय ए बी, लिखेंगे एसी डिवाइडेड बाय ए बी। ओके टेन का उल्टा कॉट होता है, अभी कई लोगों के दिमाग में आ चुका है कि कॉट ए का मान कैसे रखेंगे, टेन का उल्टा कॉट ए होता है, दिमाग में आ रहा है चल रहा है बोल भी रहे होंगे, लेकिन चलिए कुछ लोगों को नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ, बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, बेस ऊपर रहेगा परपेंडिकुलर नीचे रहेगा, आगे बात करते परपेंडिकुलर को पूरा लिखूं मैं, परपेंडिकुलर इस प्रकार से डॉट करके लिखा मैंने, तो ये ए बी ऊपर चला जाएगा और बी सी नीचे आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं ए बी अपॉन में बी सी, तो बहुत ही सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आ गए, हाँ सर समझ में आ गए, पर इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे सर, ये तो आप समझा रहे हैं कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, क्यों पढ़ रहे हैं, तो चलिए इस्तेमाल के बारे में एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपको एक ट्रायंगल दे दिया गया है राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला, बहुत से बच्चे जानते हैं यदि ये थ्री है ये फोर है तो ये कितना हो जाना चाहिए, भाई मन में अपने आप आ जाता है ये थ्री दिए हैं सर ये फोर दिए हैं सर तो ये कितना हो जाना चाहिए भाई पांच हो जाएगा फाइव। ओके नाम दे देता हूं ए बी सी, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का याद इस्तेमाल करना आपको बन जाएगा, एंगल ए की बात कर रहा साइन ए, साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ये इसकी वैल्यू है फोर, हाइपोटेनियस ये इसकी वैल्यू है फाइव, तो हमने एंगल और साइड की रेशियो निकाली, यही क्वेश्चन आपको आने वाले हैं कि किस प्रकार से साइड की वैल्यू निकालनी है, इसी प्रकार से आ जाएगा कॉस ए, कॉस ए आप लोग जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कहलाया है कि हाइपोटेनियस कहलाया है ये बेस थ्री है हाइपोटेनियस फाइव है तो ये आ जाएगा थ्री अपॉन फाइव। टेन ए की बात कर रहा हूं तो टेन ए कैसे निकाला जाएगा भाई, टेन ए निकाला जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है सभी को दिखाई दे रहा है सर परपेंडिकुलर ये है फोर और बेस क्या है थ्री तो फोर अपॉन थ्री हो गया। ओके जैसे तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए तो बाकी अपने आप बन जाते हैं, साइन ए हो गया तो कोसेक ए की बात करें कैसे आ जाएगा कोसेक ए हो जाएगा, वैसे तो दिमाग में चल रहा है सर यहाँ क्यों देख रहे हैं सर यहीं से कर देना फाइव अपॉन फोर क्योंकि पलटाते तो है, चलिए फिर भी देख लेते हैं कोसेक यहाँ पर लिखा है
हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस ऊपर मतलब कि 5 ऊपर, परपेंडिकुलर मतलब कि 4 ये, ओके ये हो गया कोसेकेंड। अब आते हैं सेकेंड, सर पलटा क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए समझते हैं, फॉर्मूला याद करना जरूरी, कभी 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 कॉस ए नहीं दिया होगा तो आपका पलटाने में प्रॉब्लम जा सकती है। तो सेके पर आते हैं, सेके हाइपोटेनियस मतलब कि 5 अपॉन में बेस, बेस यहां पर 3 दिया है तो ये हो गया 5 अपॉन में 3। और इसी प्रकार से एग्जांपल समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन कुछ नहीं थे, क्वेश्चन बुक का नहीं है, एग्जांपल समझ रहे हैं, बुक के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले पूरी एक साइड। कॉसे क्या हो गया, सेके हो गया, टेन का उल्टा हो जाता है cot a, तो cot a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है 3 परपेंडिकुलर है 4, तो ये आ गया 3 अपॉन 4। ओके तो ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए, ये अभी तक हमने फॉर्मूले बड़े वाले पढ़े थे, वो बड़े वाले याद करने प्रॉब्लम जाते हैं। हम परपेंडिकुलर की जगह सिर्फ p कह सकते हैं, हाइपोटेनियस की जगह पर एक काम करते हैं, परपेंडिकुलर की जगह सिर्फ p कह सकते हो, याद करने के टाइम पर हाइपोटेनियस को हम कह सकते हैं, हाइपोटेनियस की बात कर रहा हूँ सिर्फ एच लिखिए, और इसकी बात करते हैं हम बेस की, तो बेस को लिख सकते हैं आप बी। तो आपको इस प्रकार से यदि आप नोट डाउन करते हैं तो आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, साइन है पी अपॉन एच, कॉस है बी अपॉन एच, टेन है बी अपॉन बी, कॉस है के एच अपॉन बी, सेक है एच अपॉन बी, और कॉट आ जाता है बी अपॉन बी, और सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। ये ज्यादा शॉर्टकट होगा उस वाले के मुकाबले, और इसी प्रकार से हम बाकी क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज के क्वेश्चन चालू करने से पहले एक छोटी सी बात और बता देना चाहूंगा आप लोगों को, एक्सरसाइज के क्वेश्चन चालू करें उससे पहले एक छोटी सी बात, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस अभी तक हम जो समझते आए हैं किसी भी ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस नाम दे देते हैं ए बी सी, ओके। यदि मैं कहूं इसमें परपेंडिकुलर, तो साइड यदि ए की ही बात कर रहा हूं मैं, तो फॉर ए साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए, जो एंगल ए के अपोजिट में साइड होगी वही कहलाता है परपेंडिकुलर, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए क्या कहलाएगा, बेस। हाइपोटेनियस नहीं बदलता है डियर स्टूडेंट, लेकिन साइड अपोजिट टू एंगल ए परपेंडिकुलर कहलाएगा, और साइड एडजेसेंट टू एंगल ए बेस कहलाएगा, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूं आपको, सिर्फ मैं कहता हूं एंगल की भी बस बात करता हूं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास यदि हम बात करते हैं तो साइड अपोजिट टू एंगल, सिर्फ आप बात करता हूं एंगल की, साइड एडजेसेंट टू एंगल बेस कहलाती है। अब निकालते हैं हम साइन ए के लिए, फॉर ए एंगल ए की बात करूं तो एंगल ए, एंगल ए के अपोजिट मैंने साइड होते ऊपर पेंडिकुलर कहलाएंगे, तो ए के अपोजिट कौन से दिखाई देती है, अपोजिट मतलब बिल्कुल सामने, क्या देख रहे हैं हमें बीसी, तो यहां पर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बीसी, और बेस साइड एडजेसेंट टू एंगल क्या हो जाता है बेस कहला जाता है, तो एंगल ए का एडजेसेंट क्या है ये वाली है, तो इसके लिए बेस क्या कहला जाएगा ए बी, ठीक है। लेकिन यदि मैं एंगल चेंज कर देता हूं, अभी तक हम एंगल यहां पर लेकर पढ़ रहे थे, अब यदि मैं एंगल चेंज कर देता हूं, मैं सी को एंगल दे देता हूं, तो फॉर सी, सी की बात कर रहा हूं तो मैं कहूंगा साइड अपोजिट टू एंगल सी, सी की बात कर रहा हूं, सी के अपोजिट में कौन सी साइड है ए बी, तो परपेंडिकुलर इस बार क्या कहला जाएगा, परपेंडिकुलर कहला जाएगा ए बी, और इसी प्रकार से साइड एडजेसेंट टू एंगल क्या है बेस कहलाते हैं, जब सी के एडजेसेंट कौन सी है बी सी, इस बार बेस क्या कहला जाएगा बी सी। तो आप साइन ए को पी अपॉन एच, कॉस ए को बी अपॉन एच, और इसी प्रकार से बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद कीजिएगा, लेकिन आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि किस एंगल के लिए निकाल रहे हैं, जिस एंगल के लिए निकाल रहे हैं उसी एंगल के लिए क्या होते हैं हम परपेंडिकुलर और बेस समझते हैं, तो फॉर्मूला है इस प्रकार से परपेंडिकुलर और बेस निकाल सकते हैं। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं, मैं एक एक करके क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आपको, मेरे पास 8.1 बुक खुली हुई है उसमें क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ पहले, या फिर आप एक काम करें बुक देखते चलें, मैं क्वेश्चन नोट करता हूँ फिर आपको बताता हूँ, ओके। एक्सरसाइज 8.1 है, ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर है, सॉरी 8 चैप्टर है, 8.1 का पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एंगल एट बी
AB is equal to 24, BC is equal to 7 cm. Determine. तो पहले क्वेश्चन का मैं डायरेक्ट बेस लिखता हूं. एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस लिख रहा हूं क्वेश्चन का, क्वेश्चन आपको बुक से देख लेना है. एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो जिसमें एंगल बी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है. और क्वेश्चन में जो चीजें दी गई है वो है हमारे पास ए बी दिया है 24 एंड बी सी दिया है आपके पास 7. ओके, और अब आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन है पहला उसमें साइन ए कॉस ए, क्या निकालना है आपको, साइन ए बोले तो पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस निकालना है, कॉस ए बी अपॉन एच बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस. इसी प्रकार से और निकालना है साइन सी और कॉस सी की वैल्यू, एक एक करके निकालते हैं साइन सी और कॉस सी की वैल्यू. ओके, अब मैं करना चालू कर रहा हूं सॉल्व, को ध्यान से समझेंगे तब आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा. 3.1 का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी. एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, इसको क्या है ए बी सी नाम है. पहले राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेते हैं, इस प्रकार से होगा राइट एंगल ट्रायंगल, नाम दे दिया हमने ए बी सी, लिखा हुआ बी 90 डिग्री इसलिए बी को यहां पर बनाया है. यदि बी 90 डिग्री ना दिया होता, ए दिया होता, तो ए को यहां पर लिखना पड़ता. ओके, तो पहले जो जो दिया है, सबसे पहले हमें ए बी 24 दिया है, ए बी इज इक्वल टू 24, इसी प्रकार से बी सी 7 दिया है, तो बी सी इज इक्वल टू 7. ओके, अब आगे बढ़ते हैं तो लिख देते हैं ए बी कितना है 24, तो ए बी की वैल्यू हो गई 24, बी से सी की वैल्यू हो गई 7. सॉल्व करते हैं, पहले तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यदि हमें साइन ए निकालने के लिए कहा गया है तो साइन ए किस प्रकार से निकाला जा सकता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. लेकिन प्रॉब्लम ये है भाई, हमको हाइपोटेनियस तो दिया नहीं, तो सबसे पहले हमें हाइपोटेनियस निकालना होगा. तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस से रिलेटेड फॉर्मूला कौन सा था, हम पहले की क्लासेस में ही पढ़ चुके होंगे, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. हम किसका यूज करने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने वाले हैं. पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, या फिर चूंकि ए सी की वैल्यू चाहिए तो मैं यहां से ए सी को गायब करके यहां पर भी इक्वल में लिख सकता हूं. फॉर्मूले इस प्रकार का नहीं होता, फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर. परपेंडिकुलर यहां पर बेस ए बी स्क्वायर हो गया, बी सी ये हो गया, और इसका स्क्वायर मिला है तो इसका स्क्वायर आ जाता है. ओके, इसे नोट डाउन कर लें क्योंकि मैं इसे मिटाने वाला हूं. ओके, वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं इसे मिटाकर आगे क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर सकूं. ठीक है, अभी अभी हमने चालू किया है ये क्वेश्चन. तो राइट एंगल ट्रायंगल आप समझ रहे हैं, हम पाइथागोरस का यूज कर रहे हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. क्या ए सी की वैल्यू मालूम है, नहीं मालूम है, हम लिखते हैं ए सी स्क्वायर. क्या हमें बी ए बी की वैल्यू मालूम है, हाँ मालूम है, ये तो 24 लिखा हुआ 24 कहते हैं, 24 का स्क्वायर प्लस क्या हमें बी सी की वैल्यू मालूम है, हाँ मालूम है, 7 दी हुई है तो ये हो गया 7 का स्क्वायर. बोलेंगे किस प्रकार से बातें सत्य होती जाती है, ए सी स्क्वायर 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्या आपको याद है, हम कहते हैं 576 हो जाएगा भाई, गुणा भाग करके निकाले 24 का स्क्वायर कितना आएगा 576, 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49. क्या हमसे ये जोड़ते बनता है, छोटे छोटे सवाल है, छोटे बच्चों का काम है. 576 को 49 यदि हम जोड़ते हैं तो सीधा सीधा हमारे पास 625 आता है. और जो कि 10th क्लास में पहुंच चुके स्टूडेंट्स जरूर जानते हैं कि किसका स्क्वायर होता है, एसी होता है 25 आ जाता है, क्योंकि एसी के स्क्वायर 625 दिया है तो एसी कितना आ जाएगा 25. तो मैं इस ट्रायंगल में लिखने वाला हूं 25. अब दो एंगल के लिए निकालना है, पहला क्वेश्चन एंगल ए के लिए, दूसरा क्वेश्चन एंगल सी के लिए. लिखते हैं फॉर एंगल ए, एंगल ए के लिए सबसे पहले हमें परपेंडिकुलर ढूंढना है. परपेंडिकुलर के लिए मैंने पहले बताया है एंगल ए के अपोजिट में जो होगी वो भी कहलाएगा परपेंडिकुलर. चलिए एंगल ए पर पकड़ते हैं, एंगल ए पकड़ लिया, ये रहा अपोजिट में ये है तो क्या कहलाएगा, बीसी. तो बीसी कहलाएगा इसके लिए
परपेंडिकुलर और पकड़े। बेस की बात करते हैं तो बेस क्या कहलाएगा, क्योंकि ए से अपोजिट में ये बेसी कहला गया परपेंडिकुलर, तो ए से एडजेसेंट लगा हुआ ए भी क्या कहला जाएगा, बेस। इसके लिए भाई एंगल ए के लिए हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलता, तो हाइपोटेन्यूज हो गया ए, तो लिख देते हैं हाइपोटेन्यूज हो गया अपने पास ए से सी तक। फॉर्मूला क्या पूछा गया, पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान, पहला कर रहे हैं साइन ए। फॉर्मूले तो आपको अभी पता भी देख सकते हैं या फिर अभी तक याद कर लियो। साइन ए इज इक्वल टू पी अपॉन एच, बोलेंगे परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन ए इज इक्वल टू ये हो गया, परपेंडिकुलर दिया है बीसी अपॉन क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस कितना है एसी, ये रहा बीसी ये रहा एसी। बीसी की वैल्यू वहां से देख सकते हैं आप, बीसी दिया हमारे पास 7 तो हो गया 7, एसी हाइपोटेनियस अपन निकाल चुके 25 भी हो गया 25, साइन ए आ गया। इसी प्रकार से एक और वैल्यू निकालेंगे कॉस ए, कॉस ए निकालेंगे और भी आसान होता गया भाई। कॉस ए क्या होता है, कॉस ए हमने याद किया बी अपॉन में एच, तो बी बोलेंगे बेस, एच बोलेंगे हाइपोटेनियस। बेस कितना है भाई, बेस है अपने पास इसके एंड पर ए बी, और हाइपोटेनियस कितना है ए सी। क्या ये बी की वैल्यू हमें मालूम है, हाँ मालूम है, ट्रायंगल में दिखती है 24 अपॉन में हाइपोटेनियस मालूम है क्या, हाँ एसी की वैल्यू में मालूम है 25। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ पहले का पहला, सेकंड वाला कर रहे हैं तो सेकंड वाला करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास साइन सी निकालना है, फॉर एंगल सी, एंगल सी के लिए निकालते हैं सबसे पहले हम परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे निकाला जाएगा भाई, परपेंडिकुलर आता है एंगल सी के अपोजिट में, तो एंगल सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, सी के अपोजिट में ये यहाँ पर दिख रही है ये वाली साइड, नाम है इसका ध्यान दें चाहे तो जूम करके देखें दिखाई देगा ए बी कॉमा। अब परपेंडिकुलर निकाल चुके, बेस निकालना है सी के लिए निकालना है, तो अपन ने फॉर्मूला याद किया साइड एडजेसेंट टू एंगल सी क्या कहलाता है, बेस। तो बेस सी से लगा हुआ ये बेस कहला जाएगा, कंफ्यूज ना हो, बेस कहला जाएगा इस बार बी सी, बी सी कहला गया बेस। इसी प्रकार से हाइपोटेनियस में पहले बोला हाइपोटेनियस नहीं बदलेगा भाई, हाइपोटेनियस वैसे होता है जो बोला है, तो हाइपोटेनियस हो गया एसी। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से, और परपेंडिकुलर हो गया बेस हो गया हाइपोटेनियस हो गया, क्या पूछा है हमसे साइन सी, अरे बड़ा आसान हो गया ये तो। साइन सी क्या होता है, पी अपॉन एच बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक। परपेंडिकुलर यहां पर परपेंडिकुलर है ए बी, तो ए बी लिखेंगे, हाइपोटेनियस यहां पर भी होगा एसी, तो एसी लिखेंगे। क्या हमें ए बी दिखाई दे रहा है, हाँ ए बी दिखाई दे रहा है, ये लिखा है 24 और ए सी आ जाएगा 25। इसी प्रकार से एक छोटा सा टॉपिक है साइन सी के साथ, कॉस सी लगा हुआ है तो कॉस सी के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन सी होता है, वो हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस बी अपॉन एच, जगह कम है इसलिए मैंने बी अपॉन एच लिखा है, आप पूरा लिखिएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है इस बार, इस बार बेस है BC और हाइपोटेनियस है AC, तो बेस की वैल्यू आ गई BC की वैल्यू, क्या हमें दिखाई दे रहे हैं, हाँ हमें दिखाई दे रहे हैं, बट ट्रायंगल पर ध्यान दो ना, तो BC कितना है 7 और AC कितना है भाई 25। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या है इसे नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। ओके नोट कीजिए, अभी तक हम 8.1 का कौन सा क्वेश्चन कर चुके हैं, पहला क्वेश्चन किया है हमने, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है सरल, सिर्फ फॉर्मूले लगाने tan a cos b करके फॉर्मूले लेके मेरे सामने किताब रखी हुई है। ओके तो थर्ड क्वेश्चन कराता हूँ, थर्ड क्वेश्चन जो समझने लायक है उसे करते हैं। लिखा हुआ है इफ साइन ए दिया हुआ है आपको 3/4 और आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट cos a एंड tan a, तो आपने जो पूछा गया वो है आपके पास cos a क्वेश्चन मार्क है, इसी प्रकार से tan a क्वेश्चन मार्क है, मतलब दो की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट आपको सबको मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज होती है जब एक ट्रायंगल हो वो भी राइट एंगल ट्रायंगल हो तब यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, कंसीडर अ ट्रायंगल, क्या नाम दे दें अपन ए, ऐसे ए से मिलकर बहुत सारे ट्रायंगल के नाम ए बी क्यू ए सी डी कुछ भी दे सकते हैं, पर जनरली हम जो देते हैं उसका नाम है ए बी सी, तो कंसीडर अ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, एक ट्रायंगल बना ही लेते हैं,
यहां से एक, यहां पर भी, यहां पर से, पॉइंट के नाम सही दे दिए एंगल ए। तो फॉर एंगल ए, एंगल ए के लिए कैसे किया जाए, फॉर एंगल ए, एंगल ए के लिए निकालना है तो हम जानते हैं परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा। परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं एंगल ए के लिए, परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला बताया मैंने, एंगल ए के सामने अपोजिट में जो साइड है उसे परपेंडिकुलर कहेंगे, एंगल ए से लगी हुई जो साइड है उसे क्या कहेंगे, बेस पे आ जाएगा। तो एंगल ए के अपोजिट में साइड है बीसी, तो हम परपेंडिकुलर बीसी को लेने वाले हैं। इसी प्रकार से यदि मैं बेस की बात करता हूं तो बेस के इससे लगा हुआ एंगल, लगी हुई साइड बेस कहलाती है, बोलेंगे ए बी। और इसी प्रकार से हाइपोटेनस, हाइपोटेनस के बारे में आपको एक बात काफी अच्छे से मालूम है कि हाइपोटेनस कभी नहीं बदलने वाला है। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ये लंबी लाइन हाइपोटेनस कहलाती है, तो क्या लिखेंगे, ए सी। ओके, सिंपली इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं साइन ए दिया है, साइन ए दिया है, साइन ए अपॉन क्या होता है, साइन ए बराबर में क्या आता है भाई, फॉर्मूला याद हो जाए चाहिए, पी अपॉन में ए, बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बी सी, हाइपोटेनियस ए सी, तो बी सी अपॉन में ए सी आ गया। और साइन ए की वैल्यू हमें 3/4 दी गई है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसे लिख लेते हैं 3/4, साइन ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 3/4 आ गया। तो लेट करके हम मान लेते हैं, दो पॉइंट मानते हैं, लेट बी सी इज इक्वल टू 3a एंड ए सी इज इक्वल टू 4k। तो सिंपली दो चीजें मान ली, बी सी इज इक्वल टू 3k, ए सी इज इक्वल टू 4k। कुछ क्वेश्चन आता है कि सर आप k क्यों मान रहे हैं, k इसलिए मान रहे हैं, मान लो इस 3 की जगह 30 रहा हो, 4 की जगह 40 रहा हो, तो कैंसिल हो गए, 0 से 0 कैंसिल होकर रेशियो आया हो, तो इस प्रकार से क्या होता है, पॉइंट चेंज होते हैं, है ना, कैंसिल करके रेशियो आता है। इसलिए हम मान रहे हैं कि किसी के नाम की के कोई वैल्यू है, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, इससे कैंसिल किया गया होगा। ठीक है, साइन ए दिया BC इज इक्वल टू 3k, AC इज इक्वल टू 4k, क्योंकि हमने BC निकाली है, AC निकाली है, तो वैल्यू पुट कर दें, BC रख देते हैं हम 4k, BC रख देते हैं हम 3k। अब ट्रिग्नोमेट्री के जो भी रेशियो उसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, तीनों साइड की वैल्यू, इसकी आ गई है 4k, इसकी आ गई है 3k, पर AB की नहीं आई है। तो क्या हमें पाइथागोरस थ्योरम याद है, हाँ बिल्कुल याद है, क्या होता था भाई, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो लिखते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज कर रहे हैं, और देखेंगे तो देखेंगे बी सी स्क्वायर, या फिर हम कहते हैं यहां से चालू किया जाए ए बी सी, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम जिसको याद रहो, पाइथागोरस थ्योरम का रिवीजन कर लेगा। वैसे बता दूं, इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू में इस साइड का स्क्वायर आ जाता है। तो ए बी की वैल्यू मालूम है क्या, ए बी की वैल्यू नहीं मालूम है, दुख की बात है। तो ए बी स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया, क्या हमें बी सी की वैल्यू मालूम है, BC दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, यहाँ तो 3k, तो 3k का होल स्क्वायर होने वाला है इस प्रकार से। ओके, 3k का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू में, क्या हमें AC की वैल्यू भी दिखती है, बहुत बढ़िया AC दिख रहा है 4k, तो 4k का होल स्क्वायर आ गया। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर, 3k का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9k स्क्वायर। ओके, और 4k का होल स्क्वायर हो जाएगा 16k स्क्वायर। इस प्रकार से वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अब आगे ध्यान से देखें, जो यहां पर प्लस हो रहा है उस तरफ जाके माइनस होगा, बोलेंगे पक्षांतर हुआ, ये हिंदी में हो गया, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज। तो प्लस वाला उस तरफ जाके क्या हो जाता है, माइनस, तो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोलेंगे ab स्क्वायर इज इक्वल टू, बहुत ही आसान, 7k स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ से स्क्वायर का है, तो AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसमें रूट लग जाएगा, रूट का 7, और इसमें आ जाएगा k। अब बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन, क्या पूछा गया था मुझसे, इसमें आ गया रूट 7 की, रूट 7 इंटू में k। अब वैल्यू तीनों की मालूम हो गई तो रेशियो निकालना आसान है, कॉस ए पूछा था ना, अरे भाई क्या पूछा गया हमसे, कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है बेस, अपन ने साइन ए पढ़ा है पी अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसी प्रकार से बेस की बात करता हूँ, सॉरी कॉस ए की बात करता हूँ, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस।
बोलेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है भाई, बेस ध्यान से देखिए, बेस क्या है हमारे पास, यहां से ना देखकर यहां से देखना बेहतर होगा। हमने बेस से कहा था ए बी, ए बी की वैल्यू देखिए ए से बी रूट सेवन के हो गया, अपॉन में बात करता हूं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यहां से देख ले एसी था एसी, ये लिखा हुआ है तो ये हो गया फोर के। क्या कैसे के कैंसल, हाँ कैसे के कैंसल होता है, कभी मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरी वैल्यू आ गई अंडर रूट सेवन अपॉन में फोर, ये हमारे पास कॉस ए की वैल्यू हो गई। इसी प्रकार से हम टेन ए की वैल्यू निकालने वाले हैं, टेन ए हुआ हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस था, टेन ए का फॉर्मूला याद होगा, याद करना ही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है बीसी, बेस क्या है ए बी, बीसी की वैल्यू पहले पकड़ेंगे तो बीसी की वैल्यू है थ्री के, ये हो जाती है सर लिख लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस के फॉर्मूले, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस पकड़ लेते हैं, परपेंडिकुलर कितना हो गया ए सी के लिए, परपेंडिकुलर बीसी, बीसी की वैल्यू देखेंगे कितना है थ्री के, तो ये हो गया थ्री के अपॉन में बेस की वैल्यू पकड़ेंगे, बेस हो गया अंडर रूट सेवन के, रूट सेवन के से के कैंसल हो जाएगा और फाइनल आंसर आ गया थ्री अपॉन अंडर रूट सेवन, अपॉन अंडर रूट सेवन, ये हो जाता हमारे पास आंसर। हमने इस प्रकार का क्वेश्चन थर्ड नंबर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, के लगाकर, के के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे धीरे धीरे समझिएगा, पूरी तरीके समझ आएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गया है, अब हम पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जब तक कुछ वीडियो को पॉज कीजिए या आंसर बता दीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमने क्या क्या कर लिया है, पहला क्वेश्चन कर दिया है, दूसरा क्वेश्चन उसी के जैसा सेम कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन इसमें छोड़ दिया है, दूसरा क्वेश्चन छोड़ दिया है, थर्ड क्वेश्चन के करके था इसलिए थर्ड क्वेश्चन किया हमने, फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है उसी के जैसा, जरा सा ट्राई करेंगे बन जाएगा तो, और फिफ्थ क्वेश्चन भी वैसा, लेकिन फोर्थ छोड़कर मैं फिफ्थ करवा रहा हूँ क्योंकि फिफ्थ में थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी है। ओके, आप लोग को क्वेश्चन करने हैं जो मैं छोड़ रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन जो सिमिलर टाइप के हैं, नहीं बनता है तो आप लोग मुझे मैसेज करें या फिर ये कमेंट सेक्शन होता है, कमेंट सेक्शन मुझे बताएं कि कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा आपके लिए। ओके, तो डायरेक्ट अपन अब फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। गिवन sec थीटा 13 अपॉन 2 है और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल ली, फिफ्थ क्वेश्चन पर हमें sec थीटा बस दिया जाता है, sec थीटा बस दिया जाता है, कितना दिया जाता है 13 अपॉन 12। ओके, sec थीटा दिया गया 13 अपॉन 12 और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेंगे, लिख लेते हैं हम ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज इक्वल टू क्या क्वेश्चन मार्क, हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं क्वेश्चन का, क्वेश्चन नहीं लिखे, ठीक है सॉल्व करना चालू करते हैं। सेम वही तरीका होगा के लेकर करेंगे, पर थोड़ा सा बड़ा था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया आपको समझाने के लिए। तो कंसीडर अ ट्रायंगल एबीसी इन विच, जहां पर क्या होगा बी, एंगल बी इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, नाम दिया ए बी सी। यहां पर जैसे हम वेरिएबल मानते थे, कभी कहा जाता था कि किसी की एज एक्स है तो हम वैल्यू के लिए एक्स मान लेते थे, यहां पर एंगल के लिए थीटा माना गया, तो यहां मान लेते हैं थीटा। अब हमें सेक थीटा की वैल्यू दी है तो पहले फॉर एंगल थीटा लिख लेते हैं, फॉर थीटा परपेंडिकुलर निकालना चाहूंगा सबसे पहले, बहुत ही आसान चीज है परपेंडिकुलर निकाल पाना मेरे लिए, परपेंडिकुलर क्या होता है फॉर्मूला वही है, अपोजिट में जो एंगल है थीटा के अपोजिट में कौन सा एंगल है बीसी, तो बीसी हो गया। इसी प्रकार से बेस निकालना चाहता हूं तो भाई सबको समझ में आ रहा है ए से थीटा से लगा हुआ एंगल क्या है साइड क्या है ए बी, तो ए बी हो गया। इसी प्रकार से हाइपोटेनियस सबको मालूम है हाइपोटेनियस क्या होता है, हाइपोटेनियस हो गया ए टू सी बोलेंगे ए सी। ओके, अब आगे बढ़ते सबसे पहले sec थीटा दिया तो sec थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमको याद है sin cos tan, cos x sec पांचवें नंबर पे है cos का उल्टा, cos का होता था b अपॉन h बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो sec थीटा का क्या होगा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, फॉर्मूला होगा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है ac
बेस क्या है, बेस हमारे पास दिया हुआ है एबी, तो एसी अपॉन एबी क्या दे दिया जाता है हमें 13/12। तो हम जैसे पिछली बार मान रहे थे एसी इज इक्वल टू 13 के, एंड लेट करके लिखेंगे, लेट एसी इज इक्वल टू 13 के हो जाता है, ओके। एंड एबी इज इक्वल टू, कंपेयर कर रहे हैं हम इसको, एबी इज इक्वल टू कितना हो जाता है 12 के। वैल्यू कैसे निकालनी है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वैसे किया था हमने, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पाइथागोरस थ्योरम सबको याद है, इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर किसके बराबर आ जाता है, इस वाली साइड के स्क्वायर के बराबर आता है, पर पर्टिकुलर हाइपोटेन्यूज से आप बेस क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि उसकी वैल्यू हमने अलग लिखी हुई है, ओके ठीक है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ओके। सबसे पहले तो ए सी दिया है 13 के, ए सी ये है 13 के, और आगे बात करते हैं ए बी दिया है, एबी कितना दिया हमारे पास 12 के, तो ए से बी आते हैं हम 12 के, तो वैल्यू पुट करेंगे, तो एबी दिया है क्या, हाँ दिया है 12 के, तो 12 के का होल स्क्वायर ये रहा, प्लस बीसी दिया है क्या, नहीं बीसी नहीं दिया, तो बीसी निकालने के बहुत ही आसान होता है ना, बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी दिया है क्या, एसी दिखता है हमारे पास ए से सी तक ये वाली साइड है, तो 13 के है, तो 13 के का होल स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हमें याद होना चाहिए 144 के स्क्वायर हो जाएगा, बीसी नहीं मालूम तो बीसी स्क्वायर हो जाएगा, और आगे की बात करते हैं 13 का कितना हो जाएगा 169 के स्क्वायर, संभालेंगे भाई, बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, क्या 169 से 144 घटाना आसान है, याद हो जाता है सॉल्व करते ही करते कि बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 के स्क्वायर, या फिर मैं बीसी बस की बात करूं तो कितना आ जाएगा 5 के, तो बीसी की वैल्यू हो जाती है 5 के, हमने वैल्यू पुट कर दी 5 के। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने, सारे रेशियो निकल जाएंगे अभी अभी में, ठीक है निकालते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बोलेंगे ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बोले परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर इसके लिए बीसी है, हाइपोटेनियस एसी है, तो बीसी अपॉन में एसी कर देंगे, बीसी अपॉन में एसी कर देते हैं, कितनी आ जाएगी वैल्यू, बीसी की वैल्यू कितनी, बीसी की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 के, तो 5 के लिख दिया, इसी प्रकार से एसी की वैल्यू कितनी आ गई 13 के, तो 13 के लिख दिया, के से के कैंसिल, के से के गायब हो जाता है, के लिखना लेकिन जरूरी, 5/13 ये आ गया साइन थीटा का। इसी प्रकार से अब आना है कॉस थीटा का, कॉस थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर तो हो जाएगा बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या, तो वो भी आसान है भाई, बेस क्या है, बेस हमारे पास ये है एबी, हाइपोटेनियस एसी, तो आ जाएगा एबी अपॉन एसी, एबी कितना दिया हुआ है हमारे पास 12 के, एसी कितना है 13 के, तो 12 के अपॉन में आ जाएगा 13 के, ए से के कैंसिल और आ जाएगा 12/13, देखते जा रहे हैं आसान होता जा रहा है भाई। कॉस थीटा के बाद आता है टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू बात करते हैं, टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, होता है पी अपॉन एच, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ पी अपॉन एच, क्योंकि जगह मुझे कम दिखाई देती है, पी अपॉन एच लिखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्या ये फॉर्मूला सही है, नहीं भाई बिल्कुल सही नहीं है, समझते चले थोड़ा थोड़ा, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, साइन थीटा की वैल्यू, सॉरी टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बोलेंगे पी अपॉन में बी, गड़बड़ नहीं करनी है, तो पी कितना हो गया अपने पास, परपेंडिकुलर की बात करता हूं बोलेंगे बीसी, बेस की बात करता हूं एबी, तो बीसी अपॉन में एबी ये हो जाता है, बीसी अपॉन में एबी, वैल्यू पुट की है, तो बीसी की वैल्यू कितनी है अपने पास 5 के, ये रहा 5 के, अपॉन में कितना हो जाएगा एबी, एबी की वैल्यू है 12 के, तो यहाँ पर लिखा हमने 12 के से के कैंसिल आ जाता है 5 अपॉन में 12, तो इस प्रकार से साइन थीटा निकाल लिया, कॉस थीटा निकाल लिया, टेन थीटा निकाल लिया, इसके बाद और क्या बचा है भाई, टेन के बाद आता है कोसेक थीटा, तो
कोसेक थीटा निकालेंगे, कोसेक थीटा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोसेक किसका उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है भाई, कोसेक देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक किसका उल्टा होना चाहिए, साइन थीटा का, कोसेक लिख दूं वन अपॉन साइन थीटा, मतलब ये वाली वैल्यू पलट जाएगी 13/5। कोसेक के बाद की बात करता हूँ, थोड़ी सी जगह है, कोसेक के बाद आता है कौन सा, सेक थीटा, दिया हुआ 13/12 नहीं निकालते, लास्ट में डायरेक्ट लिख देंगे, और अपने पास लास्ट बचता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा किसका अपोजिट होता है, टेन थीटा का, टेन थीटा है 5/12, तो 1/10 थीटा और 5/12 को हो जाता है 12/5। ये आंसर आ गया हमारा भाई, फिफ्थ क्वेश्चन को भी हमने सोल्व कर लिया, फिफ्थ क्वेश्चन समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लमेटिक हो तो बताएं मुझे, प्रॉब्लमेटिक नहीं है उतार लीजिए, पॉज करके वीडियो को, फिर हम आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं, ओके। 8.3 में सॉरी 8.1 में अभी तक हमने पांचवा क्वेश्चन किया, पांचवे क्वेश्चन के बाद अब हम कर रहे हैं किस पर, छठवे क्वेश्चन पर आ रहे हैं। छठवा क्वेश्चन आप चाहे तो मिला सकते हैं अपनी बुक से, बहुत ही आसान ऐसा मुझे लगता है क्योंकि मैं करता रहता हूँ, आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। हमें कहा गया है कि ए और बी दो एक्यूट एंगल है, कॉस ए बराबर में कॉस बी दिया है, हमें जो दिया गया उसको समझते हैं, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी दिया है, एंड टू प्रूफ जो हमें प्रूफ करना है वो है कि आपको प्रूफ करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एक सेकंड रुक जाइए, में हम फिफ्थ क्वेश्चन तक कर चुके हैं, अब आ रहे हैं हम अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पर, 8.1 के सिक्स्थ क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, 8.1 का सिक्स्थ क्वेश्चन जो है हमें दिया गया है एक्यूट एंगल, हमें कहा जाता है कॉस ए इज इक्वल टू है कॉस बी, क्योंकि कॉस ए कॉस बी इक्वल है तो सिंपल सी बात है भाई, एंगल ए और एंगल बी इक्वल होंगे, लेकिन नहीं, हमें क्या कहा गया, एनसीईआरटी वालों ने कहा है कि शो दैट, आपको दिखाना है कि एंगल ए एंगल बी इक्वल होते हैं। चलिए तो भाई आपको मैं समझा देता हूँ कि कैसे शो करना है, कैसे दिखाना है, आप एग्जाम में लेकर आएंगे, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो सबसे पहले तो चूंकि एंगल ए और एंगल बी दिया, अब दोनों एक साथ इक्वल कब हो सकते, जब अलग अलग ट्राइंगल, तो कॉन्सिडर टू ट्राइंगल, ट्राइंगल के नाम है, ट्राइंगल लिख लेते हैं, कंसीडर टू ट्राइंगल, ट्राइंगल अब एक में आना चाहिए ए, एक में आना चाहिए बी, तो हम कहते हैं एस टी ए एंड पी क्यू बी, तो ट्राइंगल इस प्रकार से ले लिए, एस टी ए बनाते हैं सबसे प्रथम, इस प्रकार से बनेगा एस टी ए, यहां पर नाइन करेंगे, एक और ट्रायंगल बनाते हैं, नाम लिखेंगे पी क्यू बी, हमें इस बात का ध्यान रखना कि कॉस ए कॉस बी दिया, दोनों इक्वल दिया है, तो हो सकता है अलग अलग ट्रायंगल हो, ठीक है। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं, सबसे पहले जो हमें दिया गया है कॉस ए कॉस बी इक्वल है, अरे कैसे हो सकते हैं भाई, चलिए ठीक है, तो इस ट्रायंगल में कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, इस ट्रायंगल में कॉस ए क्या होगा, सिंपल सी बात है भाई, कॉस ए कितना दिया होगा, कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, इसमें एंगल ए के लिए बेस क्या हो जाने वाला है, एंगल ए के लिए जो बेस पकड़ेंगे, एंगल ए से लगी हुई साइड है, बोलेंगे ए टी कह सकते हैं, टी ए कह सकते हैं, शुरुआत से चलो करते हैं, ए टी अपॉन में हाइपोटेनियस रखना है, हाइपोटेनियस सब जानते हैं एएस होगा, तो एटी अपॉन एएस दिया है। अब इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, क्योंकि कॉस बी दिया है, तो कॉस बी लिखते हैं, कॉस बी मानते हैं, कॉस बी क्या हो जाना चाहिए, कॉस बी भी सेम फॉर्मूला है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस बी की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए हमारे पास, कॉस बी आ गया हमारे पास, बेस कितना है भाई, बी से क्यू तक बी क्यू, और हाइपोटेनस सभी को मालूम है बी से पी तक ये लंबी वाली लाइन हाइपोटेनस कहलाती है, तो बी से लेकर पी तक। अब गिवन जो है, गिवन है हमें क्या, गिवन है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी,
तो cos a की वैल्यू तो हमने निकाल ली है ना, ये हो गया at अपॉन में as, at अपॉन में as इज इक्वल टू में हम क्या लिख सकते हैं cos b की वैल्यू ये है, तो bq अपॉन में bp, बहुत ही आसान, तो ये हो गया bq अपॉन में bp, समझेंगे at अपॉन में as इसी ट्रायंगल का, bq अपॉन में bp इसी ट्रायंगल के, तो थोड़ा सा बस चेंज करने वाला हूं इसको वहां पर उसको यहां पर, डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या हो रहा है इसका वहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, bq यहां पर डिवाइड हो जाएगा, तो सेट कर रहे हैं हम लिखते हैं at अपॉन में bq इज इक्वल टू as अपॉन में bp, इसको ट्रांसफर किया है कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम इस पूरे को at अपॉन में bq as अपॉन में bp मान लेते हैं, कैंसिल करने पे सेम वैल्यू आएगी और वो वैल्यू है कि लिख सकते हैं लेट या फिर लिख सकते हैं से, माना कहा ऐसा कह दिया हमने कि के होता है, ओके और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए समय अब हम ट्रायंगल को पकड़ रहे हैं, क्या हमें इन दोनों ट्रायंगल के बारे में एक बात पता है कि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल हम राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, तो लिखेंगे यूज इन पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए सबसे पहले इस ट्रायंगल की बात करूं तो हमारे पास इस ट्रायंगल में से AT लिख चुके हैं, और क्या लिख चुके हैं हम AT के अलावा और क्या लिख चुके हैं भाई, AS भी लिख चुके हैं क्या, हाँ AS लिख चुके हैं, तो क्या बचा ST, तो ST निकालना है, तो फॉर्मूला पहले होता है बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू AS स्क्वायर, लिखते हैं AT स्क्वायर, इसे इक्वेशन वन नाम दे देते हैं, AT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा ए एस स्क्वायर, लिख देते हैं ए एस स्क्वायर, इसे और अच्छे से जमाते हैं तो ये हो जाएगा एस टी स्क्वायर, क्योंकि मैंने कहा हम एस टी नहीं ले पाए इस ट्रायंगल में, तो एस टी ही साइड लेने वाले हैं, तो एस टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए ए एस स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर, समझ में आता है ए टी स्क्वायर जो यहाँ पर प्लस हो रहा था वहां जाकर क्या हो गया है माइनस हो गया है, ओके हमने AT भी ले लिया AS भी ले लिया और ST भी ले लिया, ये किस ट्रायंगल के लिए था STA, STA ये जो ट्रायंगल है वो हमारा STA के लिए सॉल्व हुआ है, इक्वेशन ये है, इसी प्रकार से अब हम किसके लिए PQB के लिए निकालने वाले हैं, ट्रायंगल PQB, ट्रायंगल PQB के लिए जब निकालेंगे तो कैसा होगा पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही आसान होता है, साइड नीचे वाला बेस लीजिए BQ स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस लीजिए PQ स्क्वायर इज इक्वल टू में आ जाएगा हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर था जो हमने PQ लिया है वो परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस लीजिए PV स्क्वायर, सॉल्व करके हमको ऐसी वैल्यू चाहिए जो हमने अभी तक नहीं ली है, हमने BQ और PP ले चुके हैं, BQ और BP इसे हम BP लेंगे तो बेहतर होगा, तो हम BQ और BP ही ले चुके हैं, तो अब हमें चाहिए क्या होगा PQ चाहिए होगा, तो हम लिखेंगे PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर, और ये ट्रांसपोज हो जाएगा BQ स्क्वायर यहाँ पर प्लस हो रहा है माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा BQ स्क्वायर, और आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये इतना हो चुका है, आगे बढ़ते हुए इस ST स्क्वायर की मैं बात कर रहा हूं, ST स्क्वायर वाली इक्वेशन से इसको डिवाइड कर देता हूं, ST स्क्वायर वाली इक्वेशन ऊपर रहेगी और इसे डिवाइड कर देंगे, एस टी स्क्वायर इज इक्वल टू पूरा ये वाला लिखते हैं ए एस स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर, इस प्रकार से डिवाइडेड बाय यहां पर जो लिखा हुआ है सबसे पहले हमारे लिखा हुआ पी क्यू स्क्वायर, तो लिखते हैं पी क्यू स्क्वायर, और यहां पर जो लिखते हैं वो है बी पी स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है हम पढ़ रहे थे एस टी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, तो सॉल्व करते हैं, यदि हम इस तरफ इस इक्वेशन को देखते हैं यहां पर ए टी अपॉन बी क्यू, यदि मैं सिर्फ ए एस की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा ए एस इज इक्वल टू जो बी पी यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां पर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो बी पी इंटू में आ जाएगा के, ए एस की वैल्यू बता रहा हूं बी पी इंटू में आ जाएगा
कि एस टी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस की जगह पर लिख दूंगा बीपी इंटू में के, मतलब कि के इंटू बीपी का होल स्क्वायर। ओके, इसी प्रकार से यदि मैं ए टी की वैल्यू चाहता हूं तो ए टी यहां से निकालता हूं, ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी क्यू का के में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए टी इज इक्वल टू बी क्यू इंटू में के आ जाएगा। माइनस लिखते हैं के इंटू में क्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी पी स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर। इस प्रकार से लिखना आसान है, बहुत ही आसान है, सिंपल था, देख सकते हैं आप, मिला सकते हैं। एस टी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर भी के स्क्वायर आने वाला है, के स्क्वायर बी पी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी क्यू स्क्वायर। तो आप जानते हैं क्योंकि के स्क्वायर दोनों तरह, तो मैं के स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, तो के स्क्वायर कॉमन लेने पर इस प्रकार से आ जाएगा के स्क्वायर कॉमन अपॉन में आ जाएगा बी पी स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर। अब चूंकि आप देखेंगे बीपी स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर, बीपी स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर दोनों सेम है तो हो जाएंगे कैंसल, क्योंकि इसका होल स्क्वायर के स्क्वायर के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि एस टी अपॉन पी क्यू क्या आ जाने वाला है, के इक्वल आ जाने वाला है। तो हम देखेंगे इक्वेशन वन भी देखी हमने, टू भी देखी है, तो हम जो देखते हैं वो हमें पता चलता है ए टी अपॉन बी क्यू के बराबर है, ए एस अपॉन बी क्यू भी के बराबर है, और एस टी अपॉन पी क्यू भी के बराबर है। लिखेंगे ए टी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ए एस अपॉन बी पी इज इक्वल टू एस टी अपॉन पी क्यू। नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा किसी बात के बारे में जो था ट्रिपल एस क्राइटेरिया होता है, जब रेशियो सेम साइड के रेशियो बराबर हो दो ट्रायंगल के, तो इस प्रकार से तो ट्रायंगल लिए थे हमने, ट्रायंगल के नाम है यहां पर, ट्रायंगल देख सकते हैं आप, ये जो दो ट्रायंगल है यहां देखिए ट्रायंगल को, ट्रायंगल है एस टी ए और पी क्यू बी, तो इसे हम कह सकते हैं सिमिलर है, एस टी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा पी क्यू बी। कारण देंगे ट्रिपल एस क्राइटेरिया, क्योंकि एंगल सॉरी ट्रायंगल सिमिलर है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं हेंस एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल ए करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हो जाता है हमारा प्रूफ। नोट डाउन कर लें इसे, फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। आगे बढ़ते हुए अब हम पढ़ने वाले 8.1 का सेवंथ क्वेश्चन, अभी तक से सिक्स्थ क्वेश्चन कर चुके हैं, अब आ रहे हैं हम सेवंथ क्वेश्चन पर। सेवंथ क्वेश्चन जो मुझे दिखाई देता है, मैंने पढ़ा cot थीटा 7/8 है और कुछ वैल्यूज निकाली, तो जो दिया पहले उसे लिख लेते हैं। हमारे पास दिया जाता है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, निकालनी जो वैल्यूज है, पहली वैल्यू है बुक में देखिए आप 1 + sin θ मल्टीप्लाई बाय 1 - sin θ डिवाइडेड बाय 1 + cos θ मल्टीप्लाई बाय 1 - cos θ। ये क्वेश्चन दिया है, पहला है। दूसरा क्वेश्चन और दिया हमें निकालना है cot स्क्वायर थीटा, तो cot स्क्वायर थीटा निकालना आसान है, cot स्क्वायर थीटा निकालना, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, तो ये सेकंड क्वेश्चन तो आपसे बिना बताए बन जाता है। पहले क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है, sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, ये ट्रायंगल बनाएंगे वही k वाला जहां पर k लगाते थे याद है, उसी प्रकार से करेंगे। तो हम कर रहे हैं सॉल्व, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक ट्रायंगल, लिखते हैं कंसीडर अ ट्रायंगल, नाम देते हैं उसे एबीसी इन विच, जहां पर एंगल कौन सा वाला मानेंगे भाई, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ट्रायंगल बना लेते हैं एबीसी, इस प्रकार से एबीसी अपने अपने तरीके से लिख सकते हैं, ए यहां पर आ जाए, बी यहां पर आ जाए, सी यहां पर आ जाए, एंगल यहां पर, चूंकि यहां पर थीटा लिखा हुआ है तो मैं यहां पर भी लिखने वाला हूं थीटा, थीटा के मतलब जानते हैं आप, जैसे वेरिएबल लेते थे वैसे वैल्यू आएगी, थीटा की कोई वैल्यू हो सकती है, एंगल में आएगी लेकिन। अब सबसे पहले फॉर थीटा, मैं हर बार बता रहा हूं आपको समझना है, फॉर थीटा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो सामने वाला एंगल होता है ये वाला, तो बीसी
सॉरी बेस क्या हो जाएगा, सबसे पहले बेस हो जाएगा जो साइड वाली होती है ये AB। इसी प्रकार से यदि मैं हाइपोटेनस की बात करता हूँ आपसे, तो हाइपोटेनस ये लंबी वाली लाइन, तो हाइपोटेनस की मैं बात करूं तो हाइपोटेनस कितना हो जाना चाहिए AC। अब हमें जो दिया है उसको लिख लेते हैं सबसे पहले, तो cot थीटा दिया हुआ है, लिखते हैं cot थीटा। cot थीटा का यदि आपको याद होगा तो फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए, पी अपॉन एच ए, बी अपॉन एच ए, पी अपॉन बी, फिर पलटाते जाना है। तो इसको पलटाते पलटाते हम पहुंचते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर पर। तो बेस कितना है भाई, बेस हम देख सकते हैं बेस यहाँ पर AB है, परपेंडिकुलर BC है, तो AB अपॉन में BC। और दिया क्या है भाई, दिया है हमारे पास 7/8। सिंपल सा है, AB को 7 के और BC को 8 के मानने वाले। आगे बढ़ते हैं, तो लेट करके लिखेंगे यहाँ ध्यान दें, लेट AB इज इक्वल टू 7 के, क्यों मानने वाले भाई एक बार पहले बताई देता हूँ, एंड BC इज इक्वल टू 8 के। हम मानेंगे BC कितना हो जाएगा 8 के, तो वैल्यू पुट कर दें इस ट्रायंगल में, AB की वैल्यू हो गई कितनी 7 के, यहाँ पर लिखो 7 के, तो AB की वैल्यू हो जाती है 7 के, ये हो गया 7 के, वहां पर 8 के है BC, तो ये हो गया 8 के। क्या हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लिखकर AC निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हम बाकी साइड निकालने वाले हैं, बोलेंगे AC स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सॉल्व करते हैं AC स्क्वायर, क्या हमें AB की वैल्यू दी है, चाहे तो यहां से देखें चाहे तो वहां से देख सकते हैं, AB है 7 के, तो 7 के का होल स्क्वायर करते हैं, 7 के का होल स्क्वायर प्लस BC, BC कितना दिया है 8 के, तो 8 के का होल स्क्वायर करते हैं, 8 के होल स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास आता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू 7 के का होल स्क्वायर करें कितना आ जाएगा 49 के स्क्वायर। इसी प्रकार से यदि मैं 8 का करना चाहूं तो 8 का कितना आ जाता है 8 जा 64, तो बोलेंगे 64 के स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 64 में 49 प्लस करेंगे 64 109 413, बोलेंगे 113 113 के स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, स्क्वायर हटाना है, तो मैं करता हूं सिर्फ AC दोनों तरफ लगाता हूं रूट, तो 113 का रूट नहीं होता तो डायरेक्ट 113 लिखना होगा हमें, अब के स्क्वायर का सिर्फ हो जाएगा के, तो AC की वैल्यू क्या आ गया अपने पास अंडर रूट 113 और क्या आ गया के, अंडर रूट 113 और आ गया के। वीडियो में आप ध्यान से देख सकते हैं, इसीलिए हमने निकाल लिया अंडर रूट 113 और इनटू में आ गया के। अब हमें क्या चाहिए, दो वैल्यू चाहिए भाई इस पूरे फॉर्मूले के, कॉट तो हमने पहले निकाल लिया था क्या 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर, ठीक है इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दिया तो बाकी अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो निकालते हैं भाई साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हमको फॉर्मूला याद है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये तो फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर बोले कितना है परपेंडिकुलर है BC, तो BC अपॉन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बोले कितना है AC, BC अपॉन में AC आ जाता है। BC कितना दिया हुआ भाई, B से C तक है 8K, हमने लिखा 8K। अब AC भी निकाल चुके हैं, AC पूछा गया अंडर रूट 113 के आ जाएगा, तो अंडर रूट 113 इनटू में के, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था के से के कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट 113। ओके, एक तो पहला पॉइंट ये हो गया, साइन थीटा निकल गया, साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। दूसरा निकाल लें हमें कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियन, तो यहां पर आ जाएगा बेस, यहां पर आ जाएगा हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है भाई, बेस में दिखाई देता है, बेस है हमारे पास यहाँ पर देखेंगे, बेस है हमारे पास AB और हाइपोटेनियस AC, तो AB अपॉन में आ जाएगा AC। AB कितना है, AB है हमारे पास 7K और AC कितना है अंडर रूट 113K, तो ये हो जाएगा 7K अपॉन अंडर रूट 113K। और यदि मैं उसे ध्यान से सॉल्व करना चाहूं तो के से के कैंसिल, 7 अपॉन में
अंडर रूट 113। हमने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाली, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकल गई तो और आगे की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखेंगे आप कैसे निकाल सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा के बाद। आगे की वैल्यू पर इस बोर्ड पर चलते हैं, ध्यान से देखते चले, फिर इस बोर्ड पर आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन सोल्व करना है, क्वेश्चन मुझे काफी हद तक याद हो गया सोल्व करते करते। यहाँ पर ध्यान देंगे आप, 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं यहां पर देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है a plus b, मैं 1 को a मान रहा हूं और sin theta को b। तो a plus b, a minus b फॉर्मूला होता था किसी का, कुछ याद आता है, a plus b into a minus b, a plus b into a minus b फॉर्मूला हो जाएगा a square minus b square का। तो अपन इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं, ध्यान देंगे आप, बहुत ही बढ़िया जा रहा है। तो लिखते हैं हम इस फॉर्मूले का, पहले यूज कर लेते हैं फिर वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आसान हो जाता है, 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर कितना आता है भाई, 1 का 1 से मल्टीप्लाई, मतलब कि 1। साइन थीटा की वैल्यू रखता हूं फिर स्क्वायर करूंगा, साइन थीटा की वैल्यू थी 8 अपॉन अंडर रूट 113। तो 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 ही आ गया आपका। कॉस थीटा की वैल्यू थी 7 अपॉन अंडर रूट 113, तो 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते चलते हैं और देखते हैं शायद हमारा आंसर काफी तक पहुंच चुके हैं। तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, अंडर रूट 113 का यदि स्क्वायर कर रहे हैं तो 113 ही आ जाने वाला है। इसी प्रकार से यदि इसे सॉल्व करें तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49, तो ऐसा हो जाएगा 1 माइनस 49 और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ आएगा 113। यदि हम एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाता है 113 माइनस 64 अपॉन में 113 मतलब 113। इसी प्रकार से नीचे आ जाता है 113 माइनस में 49 अपॉन में अंडर रूट 11, सॉरी सिंपल है अंडर रूट नहीं 113, इससे ये कैंसिल हो जाता है। 113 में से यदि 64 घटाओ, 113 में से 64 घटाओ तो आप माइनस करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत बार सॉल्व कर चुकी क्वेश्चन मुझे याद है, ये आ जाने वाला अपना 49 और ये आ जाने वाला अपना 64। तो एक आंसर ये आ गया। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान है, पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा बताइए। तो हमारे पास क्वेश्चन में ही दिया गया था, क्वेश्चन में हम देखेंगे पंडा का यदि पास में इस तरफ आते हैं तो 7 अपॉन 8 है, कॉट थीटा क्या है 7 अपॉन 8, 7 अपॉन 8 का पूरा होल स्क्वायर कर देने वाले हैं, 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर और आंसर आ जाएगा इसका भी 49 अपॉन 54 आंसर। भाई नोट कर लेंगे, बहुत आसान है, पॉज करें नोट करें। 8.1 में हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, 8.1 में बहुत सारे क्वेश्चन कर चुका हूँ मैं, कर चुका हूँ 7th क्वेश्चन तक। अब यदि हम देखें 8th और 9th क्वेश्चन जिसमें k जैसा ही करना है, इसी प्रकार से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी है और पुट कर दी, तो 7th करवा चुका, 8th और 9th ट्राई कीजिए, नहीं बनता मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आप लोग के लिए उसका भी अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके, अब जो आते हैं इसमें 10th क्वेश्चन करते हैं जो अलग है, सबसे अलग है, तो एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ एक क्वेश्चन बताने के बाद। 10th क्वेश्चन पर आते हैं, इसमें थोड़ा सा अलग है, लिखा हुआ एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल है क्यू पर, पी आर प्लस क्यू आर दिया है 25। एक ट्रायंगल है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर जो कहां पर क्यू पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जो वैल्यू दी गई हमारे पास दी है पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया है 25, पी आर प्लस क्यू आर दिया है, क्यू आर दिया है 25, और क्या चीज दिया हमें पी क्यू दिया है 5, पी क्यू कितना दे गया है 5। और आगे बढ़ते हैं, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी, जो पूछा गया है साइन पी क्वेश्चन मार्क कॉस पी क्वेश्चन मार्क एंड देन टेन पी क्वेश्चन मार्क।
तो यदि हमको जैसे ही पता चलता है भाई, हमारे इनको पता चलता है साइन कॉस और टेन निकालना, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, तो क्या बनाना पड़ेगा? एक बनाना पड़ेगा जो हमें बनाना है, वो है ट्राइंगल। ट्राइंगल कैसे बनेगा? क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसमें लिखा भी हुआ क्यू, क्यू पर राइट एंगल है, समझते हैं, बनाते हैं, तो बनाकर फिर सॉल्व कर देते हैं, नाम लेते हैं पी क्यू आर। ऐसे हर बार मैं एंगल यहाँ पर लेता आया हूँ, इस बार एंगल पी यहाँ पर दिया, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, मैं इसे चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। पी यहाँ पर आ जाता है और आर यहाँ पर, पी क्यू आर। यदि पी क्यू आर है ट्रायंगल, तो मान लेते हैं, देखिए पी क्यू पहले तो हमने जो दिया है केवल दैट, जो हमें दिया वो है पी क्यू इज इक्वल टू 5 दिया है, ओके, और पी आर, पी आर प्लस क्यू आर दिया हमें 25। चलिए हम किसी एक चीज को x मान लेते हैं कि आर क्यू या फिर जैसे पी आर और क्यू आर दिया है, तो लेट करके लिखते हैं, लेट पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x, हमने माना कि पी आर क्या है x है, इसी में वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें मालूम चलेगा पी आर यदि x है तो क्यू आर क्या, पी आर कैसा हो जाएगा, क्यू आर कैसा हो जाएगा, x प्लस क्यू आर, इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ x प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, तो क्यू आर कैसे निकाला जा सकता है, 25 माइनस x, इस प्रकार से क्यू आर की वैल्यू मिलती है। और आगे बढ़ते हैं, अब वैल्यू पुट करते हैं, पहले तो पी क्यू 5 दिया है, तो p से q हम लिख देते हैं 5, फिर दिया है क्यू आर, पहले तो अपने पी आर को x माना है, तो p से r x मान लेते हैं, इसी प्रकार से हम क्यू आर को क्या मान सकते हैं, 25 माइनस x, तो q से r कितना हो जाएगा 25 माइनस x, इस प्रकार से। अब आगे सॉल्व करते हैं, क्या हम इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस थ्योरम, बहुत अच्छे से तैयारी करें पाइथागोरस की। आगे बढ़ते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, हमें मालूम परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला सिस्टम है, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, जैसे चूंकि हमने जो क्यू आर माना तो बहुत बढ़िया, तो क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, फॉर्मूला इसको कर दिया है। पी क्यू क्या दिखता है, पी क्यू कहां पर दिखता है, पी क्यू है 5, तो ये लिख देंगे 5 का स्क्वायर। इसी प्रकार से क्यू आर दिखता है, क्यू आर दिखता है 25 माइनस एक्स, तो लिखेंगे 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या, पी आर दिखाई देता है एक्स, तो लिख देंगे इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25 प्लस 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, इसे सॉल्व करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, लिखते हैं a स्क्वायर, लिखते हैं a स्क्वायर माइनस 2a इनटू में b प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर होता है इज इक्वल टू में लिखते हैं x स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो 25 प्लस 25 का स्क्वायर सबको याद होता है अभी तक की क्लास में 625 होता है, 25 को या 50 तो माइनस हो गया 50x, और ये जो x स्क्वायर यहां प्लस हो रहा है उत्तर लेके क्या हो जाएगा माइनस, तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 625 में 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 650, तो 650 ये हो गया माइनस 50x, और देखेंगे तो x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला जाएगा कितना बचेगा 0, तो समझेंगे प्लस का 65 इस तरफ से उस तरफ जाएगा माइनस 6, सॉरी 65 नहीं 650 है, तो प्लस का 650 और उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 50x इज इक्वल टू माइनस 650, और यदि सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है तो x क्या हो जाएगा माइनस 650 डिवाइड बाय ये जो माइनस 50 है मल्टीप्लाई हो रहा है वहां डिवाइड हो जाएगा, वो माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, भाई डिवाइड करना आसान है, 0 से 0 कैंसिल और 5 से 65 से कितना आ जाएगा x की वैल्यू आ गई 13, यदि x की वैल्यू 13 आ गई तो किसकी वैल्यू 13 है भाई, x किसे माना था हमने pr को, तो pr की वैल्यू आ गई हमारे पास 13,
Er की वैल्यू हो गई 13। और आगे बढ़ते हैं उस वाले बोर्ड तक चलते हैं, उस वाले बोर्ड पर समझते हैं अगले क्वेश्चन को। हो गया हाँ। इसे देख रहे हैं, हमने अभी Pr निकाल लिया, Pr की वैल्यू निकल आई है 35, ये है इसे निकाल लो 25 माइनस, हम इस फॉर्मूले पे आते हैं Qr इज इक्वल टू 25 माइनस x, वैल्यू पुट करते हैं Qr इज इक्वल टू 25 माइनस x था तो Qr आ जाएगा 25 माइनस 13, तो Qr आ जाता है हमारे पास कितना 12। अब हमारे पास Qr भी हो गया है, PR भी हो गया और PQ भी हो गया, तो सारी वैल्यूज आ गई, हम निकाल सकते हैं। इस ट्रायंगल को थोड़ा सा यहाँ पर बना लेता हूँ, आपको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस ट्रायंगल को बना दिया जाए, नाम दिया था हमने PQR। यदि आप कॉपी में फेयर कॉपी में सॉल्व करने वाले हैं या फिर एग्जाम टाइम पे, तो चार बार ट्रायंगल ये बनाना है, मैंने आपके समझने के लिए यहाँ पर बना दिया है। तो हमें PR की वैल्यू हमने ये निकाली है 13, QR की वैल्यू हमने निकाली है 12 और PQ की वैल्यू हमने निकाली थी 5, एंगल रेशियो में ये देख लें। चलिए कोई बात नहीं, अब हमें जो निकालना है sin p cos p tan p निकालना है, तो sin p tan cos p tan p के लिए तो फॉर एंगल p, एंगल p के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, सामने वाला, सामने क्या है भाई, ये सामने नाम देंगे QR है सामने। और बात करते हैं परपेंडिकुलर हो गया, बेस की बात करें तो बेस क्या होता है इसके सामने, बेस होगा P से लगा हुआ क्या है PQ, तो यहाँ पर लिख देंगे PQ, तो दो चीजें हो गई। हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलता है, P से आता है, तो हाइपोटेन्यूज किस प्रकार से निकल सकते हैं आप P से R तक, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज वगैरह निकाल लिया हमने। अब साइन पी कॉस पी और टेन पी पूछा गया है, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, साइन पी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आगे बढ़ेंगे, परपेंडिकुलर कितना है भाई QR, हाइपोटेनियस कितना है PR, QR अपॉन में आ जाएगा PR, QR की वैल्यू है हमारे पास 12, QR की वैल्यू 12 अपॉन में 13, ये आ गया आंसर 12 अपॉन 13। इसी प्रकार से cos P निकालना है, cos P क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बोलेंगे पी अपॉन में एच हाइपोटेनियस, लिखेंगे बेस क्या हो गया, बेस यहां पर क्या है पी क्यू, पी क्यू लिख दिया और हाइपोटेनियस यही से मिला देंगे पी आर, पी क्यू कितना दिया भाई, पी क्यू दिया भाई 5 और पी आर दिया 13, तो 5 अपॉन में आ गया 13। इसी प्रकार से हमें क्या निकालना है टेन पी, टेन पी भी निकालना आसान है, पी अपॉन में P होता है, तो P मतलब की परपेंडिकुलर और B मतलब की बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है QR, P के सामने वाला, तो लिखेंगे QR अपॉन में बेस क्या, बेस है PQ, लिख देते हैं हम PQ इज इक्वल टू में QR के साथ क्या लिख सकते हैं, QR की वैल्यू कितनी है भाई, QR की वैल्यू कितनी है ये लिख रहे हैं, Q से R 12 दिया है, 12 अपॉन में पी क्यू की वैल्यू यहाँ सकते हैं, पी से क्यू 5 है, तो ये आ गया हमारे पास सारे एंगल, आंसर कंप्लीट हो गए हैं। समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ओके समझ लें, पूरा नोट कर लें पॉज करके स्क्रीन को। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी था, हमने 8.1 के बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन किए, एक दो क्वेश्चन या एक दो तीन ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़े, आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़े, जो कि इन्हीं से रिलेटेड इसी के जैसे बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे, सिर्फ वैल्यू चेंज की गई है, आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, नहीं बनेगा तो मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए एक और वो बनाने वाला हूँ, आपको मैं बीच बीच में बोलता भी जा रहा था, नहीं बनेगा तो आप मुझे बताइएगा। ओके तो 8.1 है, मेरे साथ जुड़कर ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, हम धीरे धीरे 8.1 का पहला पार्ट है, इसी प्रकार से और भी पार्ट डालने वाले हैं मैथमेटिक्स में, हम 10th की मैथमेटिक्स पूरी कवर करने वाले हैं। ओके थैंक यू।